हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ व सुरक्षित होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। बच्चों, आज मैं आपके लिए श्री दामोदर अग्रवाल जी द्वारा रचित कोई ला के मुझे दे कविता लेकर आई हूँ। इस कविता में कवि ने बहुत सुंदर तरीके से अपनी बात की है, बहुत अच्छी अच्छी बातें आपको बताई हैं। तो बच्चों, चलिए आनंद लेते हैं इस कविता का। आप भी मेरे साथ इस कविता को गाएंगे। कुछ रंग भरे फूल, कुछ खट्टे मीठे फल, थोड़ी बांसुरी की धुन, थोड़ा जमुना का जल। कोई ला के मुझे दे, कोई ला के मुझे दे, कोई ला के मुझे दे। एक सोना जड़ा दिन, एक रूपों भरी रात, एक फूलों भरा गीत, एक गीतों भरी बात। कोई ला के मुझे दे, कोई ला के मुझे दे, कोई ला के मुझे दे। एक छाता छाँव का, एक धूप की घड़ी, एक बादलों का कोट, एक दूब की छड़ी। कोई ला के मुझे दे, कोई ला के मुझे दे, कोई ला के मुझे दे। एक छुट्टी वाला दिन, एक अच्छी सी किताब, एक मीठा सा सवाल, एक नन्हा सा जवाब। कोई ला के मुझे दे, कोई ला के मुझे दे, कोई ला के मुझे दे, कोई ला के मुझे दे। तो देखा बच्चों, कितनी सुंदर कविता है ना? आइए इस कविता को लेकर हम कुछ प्रश्न भी करते हैं, ठीक है? तो इस कविता में पहला प्रश्न है कि इस कविता में किस प्रकार के फूल व फल की बात की गई है? तो बच्चों, आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना है। दूसरा प्रश्न है कि जमुना किसका नाम हो सकता है, ठीक है? तीसरा प्रश्न, सोना जड़ा दिन में सोना शब्द का क्या अर्थ हो सकता है, ठीक है बच्चों? चौथा प्रश्न है कि छुट्टी वाले दिन किताब से क्या करना होगा। पांचवा प्रश्न, इस कविता को सुनकर आपके मन में जो सवाल आ रहे हैं उन्हें अपनी कॉपी में लिखना है। छठा प्रश्न है कि बांसुरी को बजाया जाता है, आप ऐसे कोई दो वाद्य यंत्रों के नाम लिखेंगे जिन्हें आप बजाते हैं। सातवां प्रश्न है, इस कविता में बहुत सारी बातें की गई हैं, आपको कौन सी बात अच्छी लगी उसे भी अपनी कॉपी में लिखिए। आठवां प्रश्न है कि कविता से जुड़े कुछ मनपसंद चित्र आप अपनी कॉपी में बनाइए। और आखिरी प्रश्न है कि क्या इस कविता को आप आगे बढ़ा सकते हैं? यदि हाँ, तो चार पंक्तियाँ आप और इस कविता में जोड़ेंगे, ठीक है बच्चों? साथ ही साथ आप अपने घर में अपने परिवार के सदस्यों के साथ इस कविता को गा सकते हैं और सुना सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतनी ही कविता, और अगली बार फिर हम एक नई कविता के साथ प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।